हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों इस वीडियो पर मैं डीटीएस पर आने वाले एक फाल्ट के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों इस सेटअप बॉक्स पर साउंड का फाल्ट है। इसके पहले भी मैंने डीटीएस कार्ड पर अगर साउंड का फाल्ट आता है तो आपको दोस्तों मैंने कुछ तरीके बताए हुए हैं जिससे कि आप घर बैठे भी साउंड के फाल्ट को ठीक कर सकते हैं। आज दोस्तों मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूँ। अगर आपके डीटीएस सेटअप बॉक्स से साउंड नहीं आ रहा है, आपके डीटीएस पर साउंड का फाल्ट है, तो दोस्तों आप घर बैठे भी इस फाल्ट को सही कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सेटअप बॉक्स को चालू किया हुआ है और इस सेटअप बॉक्स पर, इस कार्ड पर अभी साउंड का फाल्ट है। मैं दोस्तों आपको सबसे पहले टीवी का जो ऑडियो है तो आपको चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों हमारा टीवी से ऑडियो आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा टीवी सही है। यह जो फॉल्ट है सेटअप बॉक्स से है। तो अब दोस्तों आप इस फॉल्ट को किस प्रकार से ठीक करेंगे? आप दोस्तों इस प्रॉब्लम को घर बैठे बहुत इजीली आप ठीक करके आप अपना काम चला सकते हैं। तो आप दोस्तों इसके लिए क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, तो अब आपको इस प्रकार से एक छोटा सा वायर लेना है। अगर दोस्तों आपके पास 100 ओम के लगभग का रेजिस्टेंस है तो लगभग का जो रेजिस्टेंस है यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो आपको दोस्तों इस प्रकार से एक छोटा सा वायर ले लेना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपके पास रेजिस्टेंस है तो आपको इस रेजिस्टेंस का जो एक पॉइंट है, तो आपको दोस्तों इस सेटअप बॉक्स पर यह जो ऑडियो बोर्ड से इसका स्पीकर आउटपुट है, तो आपको दोस्तों स्पीकर आउटपुट वाले एक पॉइंट के साथ में आपको इस रेजिस्टेंस को या फिर इस वायर का एक पॉइंट आपको जोड़ देना है। अब दोस्तों आपको यह जो आपका वॉल्यूम कंट्रोल से वायर आपका यहाँ लगा हुआ है, तो आपको दोस्तों इसे इस प्रकार से निकाल लेना है। और अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यह जो दोनों ऊपर वाले सॉकेट हैं, तो आपको दोस्तों इसे कटर से आपको दोनों को ही, ये जो ऊपर वाले आपके दोनों सॉकेट हैं, आपको दोस्तों इसे किट के साथ में डिस्कनेक्ट कर देना है। अब आपको क्या करना है कि इस रेजिस्टेंस का ये जो दूसरा पॉइंट है आपको इस प्रकार से आपस में जोड़ देना है। दोस्तों आपको इस प्रकार से इस 100 ओम के रेजिस्टेंस को लेकर और आपको इससे स्पीकर आउटपुट के साथ में जोड़ देना है, और इस रेजिस्टेंस के दूसरे वाले पॉइंट को आपको ऊपर वाला है जो दोनों पॉइंट है आपको किट से डिस्कनेक्ट करके, कट करके आपको दोस्तों इस प्रकार से इसे भी सोल्डिंग कर देना है। अब दोस्तों आप इसके बाद क्या करेंगे, तो ये जो वायर आपका इस बैलून से आया हुआ है, तो आपको दोस्तों इसे अब कहाँ लगाना है। अब दोस्तों मैं आपको इस डीटीएच कार्ड पर नज़दीक से दिखाता हूँ कि आपका जो साउंड वाला सिग्नल है तो आपको कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों यह एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके बाजू से यहाँ एसएमडी रेजिस्टेंस और पीएफ लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो दोस्तों आपको इन दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट के साथ, या फिर दोस्तों आप दोनों ही पॉइंट पर इस बैलून वाले वायर को आप जोड़ देंगे। तो हम दोस्तों इसे यहाँ जोड़ देंगे। दोस्तों मैंने अभी टीवी चालू किया हुआ है और आपको दोस्तों मैं चालू पोजीशन में ही इसे मैं आपको जोड़ के और ये जो साउंड का फॉल्ट है तो दोस्तों मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा।
तो मैं दोस्तों सबसे पहले इस बैलून को धीमा कर लेता हूँ। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से यह जो आपका बैलून कंट्रोल से जो आपका वायर गया हुआ है, आपको दोस्तों यहाँ से आपको निकाल कर और यहाँ दोस्तों आपको लगा देना है, जहाँ की दोस्तों मैंने आपको बताया है। आप दोस्तों नज़दीक से भी देख सकते हैं। और अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब जो आपका यह साउंड है तो आपका दोस्तों इस बैलून से टीवी पर धीमा तेज होगा। तो हम दोस्तों इसे लगा लेते हैं। हम इस या फिर इस सॉकेट दोनों में से किसी भी एक पर इसे लगा सकते हैं। टीवी से आपका जो दो ऑडियो का वायर आता है तो दोस्तों आप दोनों पर ही एक वायर लगा सकते हैं। अब दोस्तों आप बैलून से इसका जो साउंड है तेज करेंगे। दोस्तों आप साउंड सुन सकते हैं। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि डीटीएच के रिमोट से साउंड को आपको तेज में रखना, फुल में रखना है। और अब दोस्तों आपको इसका जो साउंड है बैलून से आपको बढ़ाना है। दोस्तों आपका डीटीएच पर जो साउंड क्वालिटी है वह धीमा नहीं होगा, आपको टीवी पर आपके जो साउंड है आपको पहले की तरह ही देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। आप दोस्तों इस प्रकार से साउंड के इस फॉल्ट को इस डीटीएच के सेटअप बॉक्स से आप घर बैठे भी सही कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह छोटा सा जानकारी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।